नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में हम आज बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप को लेके हिंडनबर्ग के जो आरोप थे, उस मामले में हिंडनबर्ग ने आज एक बड़ा जवाब दाखिल किया है अपने पोर्टल पे। उन्होंने जो सेबी की एक चिट्ठी हिंडनबर्ग के पास गई थी, जिसमें शो कॉज नोटिस भेजा गया था, उसका जवाब भी दिया है और उसमें कई तरीके के आरोप और कई तरीके की नई डिटेल्स उन्होंने सामने पेश की हैं। ये कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। इसमें एक बड़ा नाम अब सामने आ रहा है जो अभी तक इस पूरे सागा में कहीं नहीं था, वो नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का, उदय कोटक का। तो इसमें हिंडनबर्ग ने कहा है कि उनके एक क्लाइंट का ऑफशोर फंड कोटक बैंक ने या कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने उसको मैनेज किया और उसके जरिए अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली गई। हिंडनबर्ग ने कहा है कि हम तो भारत में रेगुलेटेड है नहीं, हम भारत में कामकाज नहीं करते, लेकिन जो कोटक बैंक है वो यहाँ पे है, उनके एक क्लाइंट हैं ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली, उनका आप कोटक का नाम आप क्यों नहीं लेते। तो इस तरह से कोटक का नाम सामने इस रिपोर्ट में अब आ गया है। लेकिन यहाँ पे अब बात महत्वपूर्ण ये है कि कोटक की तरफ से भी एक सफाई आ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोटक की तरफ से क्या सफाई आई है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका नाम इसमें आया है, और कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, उन्होंने कहा है कि हमारा हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे कभी क्लाइंट नहीं रहे। एग्जैक्टली क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने कहा है कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड और कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड साफ तौर पे ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग कभी भी उनके क्लाइंट नहीं रहे और कभी भी ये इन्वेस्टर भी नहीं रहे इस फंड में। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि फंड वॉज नेवर अवेयर दैट हिंडनबर्ग वॉज ए पार्टनर ऑफ एनी ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। तो इन्होंने कहा है कि इनको इस बात का पता नहीं है कि हिंडनबर्ग कभी इसके किसी इन्वेस्टर का पार्टनर रहा है। KMIL भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करता है और डिक्लेयर करता है कि फंड के इन्वेस्टर फ्रॉम दी फंड्स इन्वेस्टर दैट इट्स इन्वेस्टमेंट वर मेड एज प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये इन्होंने साफ तौर पे कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने पूरी तरह से KYC का पालन करते हैं, बाकी जो नियम कायदे कानून है भारतीय रेगुलेटरी प्रक्रिया के, उनका वो पालन करते हैं और उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं की है। तो साफ तौर पे जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, आज जो उनकी रिपोर्ट आई है सेबी के शो कॉज नोटिस के बाद, उसमें उन्होंने जो कोटक का नाम लिया था वहाँ अब तस्वीर साफ हो गई। कोटक ने खुद सामने आके कह दिया है कि वो उनके पार्टनर हिंडनबर्ग कभी नहीं रहे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अगले टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।